hello everyone this is trading secrets uh, welcome to my channel uh, so before i start a very happy new year to all of you and uh, we have just stepped in in 2024 and i wish all my subscribers to have a, a very prosperous and a healthy and of course and a profitable year uh, of 2024 okay so uh, इन दिस वीडियो आई विल भी टेलिंग यू अबाउट माई ईयरली पी एन एल की मैंने ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में uh, क्या क्या किया था सो बिफोर आई बिगन आई रिक्वेस्ट यू ऑल की प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा सो दैट यू विल कम टू नो की वॉट ऑल आई डिड सो दैट बाद में आप दोबारा मुझसे मैसेज करके ना पूछें ओके सो ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री वॉज अ वंडरफुल ईयर फॉर मी आई बिकेम अ प्रोफिटेबल ट्रेडर इन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू जैसे कि मैंने मेरा ये जो चैनल है uh, ये जो मेरा फर्स्ट वीडियो था माई ट्रेडिंग जर्नी एंड आई मेड जीरो स्ट्रैटेजी इसमें मैंने अपना पूरा कवर किया है That uh, I became profitable trader in July 22, and since then, uh, since then I am I have continued uh, being a profitable trader. But in 2023, I got a good uh, uh, experience. Uh, I I groomed myself in a much better way as a professional trader, and it has helped me a lot. And uh, the result is in front of uh, all of you guys. so uh, 2023. Uh, मेरे लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, था बिकॉज 2023 में ट्वेंटी थ्री में मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था अगस्त 23 में आई स्टार्टेड माय चैनल एंड मैंने अपना टेलीग्राम चैनल भी स्टार्ट किया था एंड ऑन ट्वेंटी एट दिसंबर फ्यू डेज बैक आई हैव गॉट टेन थाउजेंड सब्सक्राइबर्स ऑन दैट सो आई वुड लाइक टू थैंक ईच एंड एवरी सब्सक्राइबर ऑफ माइंड थैंक यू वेरी मच फॉर बींग अ पार्ट ऑफ माई जर्नी आई विश यू लक सक्सेस एंड एंड प्रोफिटेबल ट्रेडिंग एज वेल एंड सो ओके इन दिस वीडियो आई विल बी टेलिंग यू की हाउ मच आई हैव फियर्ड एंड वॉट इज माई ईयरली पी एन एल हाउ मच फंड आई है सो एज यू कुड सी दैट दिस इज दिस इज माई वेरीफाइड पी एन एल जो मैंने अपने हर वीडियो में आप लोगों को डाल के रखता हूँ माई ट्रेडिंग जर्नी दिस इज माई वेरीफाइड पी एन एल एंड दिस इज वॉट इट इज बट दिस वेरीफाइड पी एन एज फ्रॉम जैन सिक्स टू जैन वन सो दैट इज वाई इट इज अट लेस अदरवाइज दिस इज मोर देन थर्टी एट पॉइंट टू लैक्स टू जीरो लैक्स के आसपास ये अमाउंट था सो ओवरऑल आई हैली अबाउट फोर्टी टू लैक्स के या फोर्टी टू से थोड़ा सा ज्यादा मैंने कमाया नियरली अबाउट फोर लैक्स इज द चार्जेस दैट आई हैव ऑलरेडी पेड सो ओवरऑल आई एम आई हैव गॉट दिस मच ऑफ अमाउंट दिस इज मोर देन थर्टी एट के आसपास दैट्स ओके सो फॉर फ्यू डेज इट इज नॉट शोइंग ठीक so, uh, है, मैं आप लोगों को थोड़ी देर में दिखाऊंगा. Uh, so, so, मैंने आपको पिछले अपने वीडियो में भी बताया था कि मैंने जो फंड थोड़ा सा अपना रेज किया था वो मैंने दिसंबर ट्वेंटी टू में रेज किया था पंद्रह दिसंबर ट्वेंटी टू के आसपास मैंने अपना फंड थोड़ा सा इंक्रीज किया था उससे पहले आई वॉज ऑन मतलब कम फंड से मैं ट्रेड करता था सो फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स आई हैड मेड अ गुड फंड सो उसके साथ में ट्रेड कर रहा था सो एज ऑफ नाउ आई एम यूजिंग इट नॉट दिस वन अ लिटिल बिट मोर देन दिस वन पाँच चार पाँच एट्टी सिक्स के आसपास आई एम यूजिंग दिस बिकॉज आज मैंने थोड़ा कुछ इक्विटी लिया है सो दैट इज वाई दिस इज अट लेस अदरवाइज मैं जो अपना ट्रेड करता हूँ वो मैं नियरली अबाउट सेवेंटी फाइव से एट्टी जो होता है उसके बीच में ही करता हूँ बिकॉज आई कीप अच्छा खासा अमाउंट आई ऑलवेज कीफ फॉर माई स्विंग ट्रेडिंग बिकॉज स्विंग ट्रेडिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज मैं ऑलवेज स्विंग ट्रेडिंग में काफी अच्छा इन्वेस्ट uh, करने की कोशिश करता हूँ बिकॉज आई बिलीव एंड कवर्ड कॉल्स ऑल्सो बिकॉज कवर्ड कॉल से देर इज वाई आई डू इट बिकॉज कवर्ड कॉल्स का मैंने कंसेप्ट था उसमें मैंने आप लोगों को एक वीडियो भी डाला था जिसमें मैंने एम सी एक्स का एक कॉल लिया था एंड उसमें मैंने आप लोगों को दिखाया था कि एफ एन ओ में आई इंटेंट मतलब आई डेलिब्रेटली ट्राई टू बुक लॉस इन माई एफ एन ओ पोजिशन एंड आई ट्राई टू ट्रांसफर माई एफ एन ओ का जो प्रॉफिट है इन टू इक्विटी वाई आई डू दैट ये जितने भी आ, आ, बाकी ट्रेडर्स हैं जो ये है जिनका ऑलरेडी अच्छा खासा प्रॉफिट होता है एफ एन ओ में दे नोज दिस थिंग एंड माई स्टूडेंट्स आर वेरी वेल अवेयर अबाउट दिस थिंग आई डू दिस ठीक है सो मेनी पीपल आपका जीरो लॉस स्ट्रेटेजी क्या जीरो लॉस स्ट्रैटेजी क्या है सो बी वेरी क्लियर दैट देर इज नो जीरो लॉस स्ट्रैटी इट इज अलॉजी अगर आप लोगों को लगता है कि आया वह होली ग्रेल मैथड कि भैया मैंने एक मैंने एक सेटअप पकड़ लिया है एंड मैं उसी सेटअप पे लगा रहता हूँ सर आई एम टेलिंग यू क्लियरली देर इज नो सेटअप इन दिस वर्ल्ड विच कैन गिव यू प्रॉफिट ईच एंड एवरी डे इट जस्ट कैनॉट हैपन बिलीव यू मी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक सेटअप है मैंने आप लोगों को बता दिया अच्छा सुनो ये सेटअप है बस इसमें पैसा लगाते रहो होता रहेगा मैं कोई नई चीज नहीं कर रहा हूं I am just following FIS. I have been teaching my students also how to follow Okay, So I just try to follow FIS. That is my psychology, and that is how I have managed to become profitable. That's all I can say. I have managed. I have tried my, I have tried hard to do this thing. So that is how it is. It is not by luck. It is not because I have stick to one strategy, but it is because that I have been doing continuously many things. And my psychology is, uh, has been built up in such a way that I try to follow FIAs. And FIAs are never wrong. Believe you me, they are never wrong. They always get the profit. ठीक है सो दैट इज हाउ आई हैव डन इट नाउ पीपल आस्क मी सर और क्या क्या स्ट्रैटेजी आप करते हैं सो so मैंने अपने उस वीडियो में भी बताया था कि देर दैट आई डू जैसा कि मैंने आप लोगों को एक वीडियो भी बनाया था कि कवर्ड कॉल एवरी मंथ एक महीने में एक या दो दो बार एक बार मैं कवर्ड कॉल करता ही करता हूं जैसे कि मैंने आप लोगों के लिए एक एमसीएक्स का बनाया था देन उसके बाद जाइडस में आई हैव डन अ कवर्ड कॉल देन उसके बाद हिंद पेट्रो का अभी आ, आ, मेरा जो आपने दिसंबर पीएनएल का वीडियो देखा होगा Uh, जो मैंने अभी दिसंबर पीएनएल का अपना पीएनएल स्टेटमेंट का वीडियो डाला है उसमें भी मैंने आप लोगों को दिखाया था कि हिंद पेट्रो में आई हैव डन अ कवर्ड कॉल देन उसके बाद दिसंबर uh, में ही मैंने भैल में भी एक कवर्ड कॉल लिया था जनवरी के लिए आई एम होल्डिंग अ कवर्ड कॉल इन आई ई मैंने नवम्बर में लिया था सो आई हैव बीन टेकिंग कवर्ड कॉल्स टू ऑफन एंड सर कवर्ड कॉल जो होता है मैंने आप लोगों को अपना एम सी एक्स वीडियो में भी एक कंसेप्ट बताया था कि कवर्ड कॉल आई डू नॉट बाय इन फ्यूचर आई नेवर डू दैट आई नेवर बाय फ्यूचर ठीक है फ्यूचर मैं बाय क्यों नहीं करता हूं देर इज अ स्पेसिफिक रीजन बिहाइंड इट उसके बारे में हम डिटेल uh, में बात करेंगे कभी और अदरवाइज माई स्टूडेंट्स आर वेरी वेल अवेयर बाय आई डोंट बाई फ्यूचर्स ठीक है अगर मैं कवर्ड कॉल करने के जैसे कि मैंने आप लोगों को uh, वीडियो में बताया था कि दो तरीके होते हैं या तो आप फ्यूचर बाय कर लीजिए इफ यू आर हैविंग शॉर्ट ऑफ फंड्स अदरवाइज यू बाय इक्विटी नाउ यू थिंक एमसीएक्स का जो मैंने आपको कवर्ड कॉल किया था उसमें 2000 uh, का एमसीएक्स चल रहा था एंड इसका जो फ्यूचर का दट इज नियरली अबाउट फोर हंड्रेड इनका जो फ्यूचर आएगाक्विटी सो हाउ मच आई है उसके साथ साथ मैं कुछ कॉल स्प्रेड या कॉल सेल या फिर ऐसे करके मैं एक रेशियो स्प्रेड बनाकर जाता हूँ एक स्प्रेड पोजीशन बनाकर जाता हूँ कॉल स्प्रेड पोजीशन उसमें भी कम से कम तीन लाख रुपए के आसपास लगते हैं सो व्हेनेवर आई डू अ कवर्ड कॉल व्हेनेवर आई डू अ कवर्ड कॉल आई आई जनरली डिप्लॉय मिनिमम टेन लाख रुपीस इन अ कवर्ड कॉल ठीक है सो दैट इज हाउ माय कवर्ड कॉल इज ऑलवेज ऑलवेज गिव्स मी प्रॉफिट नाउ पीपल हैव बीन सेइंग कि सर अगर 2000 का लिया एंड 1800 चला गया 1600 चला सो गया ओके लेट इट गो

कवर्ड कॉल आई हैव टू बी रेस्ट अश्योर कि दिस कॉल विल नेवर गो डाउन दिस हैजू गो अपन ओनली मोटिव है कवर्ड कॉल का कि भैया मुझे एफ एन ओ में फ्यूचर एंड ऑप्शन में मुझको लॉस बुक करना है एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन का प्रॉफिट मुझको इक्विटी में ट्रांसफर करना है सो इफ यू गाइज हैोटिस्ड इट सो आई एम टेलिंग यू इन दिस वीडियो लुक एट दिस दिन

फिफ्थ दिसंबर सो उस दिन भी मैंने अपने चैनल पर अपडेट दिया था कि येस आई हैव बुक अ कवर्ड कॉल सो कवर्ड कॉल इज अ वेरी इट इज अ बैक बोन ऑफ माई स्ट्रैटेजी बिकॉज आई कीप डूइंग कवर्ड कॉल्स एंड मेरा कॉल स्प्रेड स्ट्रेटजीज होता है मैं उन स्ट्रैटेजीज के ऊपर काम करता हूँ जो कि ऊपर जाए चाहे नीचे जाए इट डज नॉट गिव मी अ लॉस इट ऑलवेज गिव मी अ प्रॉफिट येस थोड़ा पैसा ज्यादा लगता है बट एटलीस्ट इट गिवस मी अ प्रॉफिट दैट इज देट इज दैट आई हैव टू बी दैट आई एम रेस्ट अशोर

please do not run behind a single strategy because there is no single strategy at all. There are multiple strategies. Multiple strategies. कोई भी एक single strategy अगर आप लोगों को कोई बोलता है कि भाई ये strategy लगा लो और जाके कमा लो not possible. If you have not watched my video, this one, my trading journey, तो इस video का please एक बार देखिए because I've I have told in this video that इस video में

ठीक है सो आई लर्न ट इट अ हार्ड वे सो दैट इज वाई आईव मैंशंड ऑल दीज थिंग्स इन माई विडियो सो दैट यू डोंट डू द सेम मिस्टेक ठीक है सो दैट इज वाई आई एम टेलिंग यू अगेन की सर बिकॉज दिस इज द परफेक्ट प्लेटफॉर्म बिकॉज ये इयरली पी एन एल है दिस इज माई ईयरली परफॉर्मेंस सो इस मे आई एम एबल टू टेल इफ समी टेल्स देर इज वन सिंगल स्ट्रैटजी इट इज नॉट पॉसिबल आई एम सेग इट अगेन इट इज नॉट पॉसिबल वन सिंगल स्ट्रैटजी नॉट पॉसिबल हो ही नहीं सकता ठीक है सो इट इज मोर ऑफ अ साइकोलॉजी ठीक है मेरी साइकोलॉजी है कि अगर मैं दिन में पांच हजार भी कमा कर जाऊं मैं लेकर जाऊंगा मुझे बीस हजार नहीं चाहिए मैं प्रॉफिट कम ल, कमा सकता हूं अगर मेरे को लॉस हो रहा है मैं निकल जाऊंगा अगर मैं प्रॉफिट ले लिया है एंड देन नेक्स्ट कॉल में मेरा लॉस हो रहा है तो मैं छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाऊंगा बट मैं लॉस में नहीं जाऊंगा ठीक है दिस इज द साइकोलॉजी दैट आई वर्क विद ठीक है इसी साइकोलॉजी को मेंटेन करने की मैं पूरी कोशिश करता हूं एंड उसी को मेंटेन करते करते आई हैव अचीव दिस थिंग

ऑफ कोर्स जिन्होंने गलत सिखाया है वो तो जिन्होंने आपको आर एस आई बोल रखा है कि भाई आर एस आई है तीस या इससे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बताऊंगा इसके बारे में आर एस आई तीस और सत्तर मैंने आप लोगों को ये क्यों यूज किया कि किसी ने बोला आर एस आई तीस है तो खरीद लो ऊपर जाएगा सत्तर है तो बेच दो नीचे आएगा अगर किसी ने पढ़ाया तो दिस इज एंटायरली रॉन्ग ये फ्री स्ट्रेटेजी के लिए बनाया गया है ताकि आप लोग इसमें घुसे रहे और ऑप्शन बाइंग करते रहे और आप जो ऑप्शन बाय करेंगे वो आपको कौन सेल कर रहा होगा ऑप्शन सेलर्स जिसने आपको सिखाया वही सेल कर रहा होगा बिकॉज़ उसको पता है जिनको मैंने सिखाया वो ऑप्शन बाय कर रहे हैं सो दैट इज द कंसेप्ट, ओके सो दिस इज व्हाट माय जीरो लॉस स्ट्रेटजी सो कॉल्ड जीरो लॉस स्ट्रेटजी दैट यू ऑल गाइस हैव बीन आस्किंग अबाउट इज ऑल अबाउट दिस ओके सो दिस इज माय वन अकाउंट सर इसमें आई हैव शोड यू हाउ मच फंड्स आई हैव यूज्ड सो दिस इज माय सेकंड अकाउंट या दिस इज द सेकंड अकाउंट एंड इन दिस अकाउंट इसमें भी आज आई हैव बॉट सम इक्विटी सो इसमें आई एम यूजिंग नियरली अबाउट 66 67 68 67 68 के आसपास फंड्स आई एम यूजिंग अबाउट ओके सो दिस इज द फंड दैट आई हैव यूज्ड अबाउट एंड सो दिस इज माय कंसोल या सो इसमें मैंने वेरीफाइड पीएनएल पे क्लिक कर ओके बिफोर आई गो एड आई विल जस्ट शो यू वन मोर थिंग पीएनएल या नहीं ओके ठीक है इसी में चले जाते हैं

आर द चार्जेस सो एंड इट इज काउंटिंग इट फ्रॉम जैन एट एंड इस पास्ट इन दो हफ्ते में आई एम नॉट अवेलेबल बिकॉज ऑफ सटेन रीजन आई एम आई एम बिजी सम वेयर एल्स सो आई एम नॉट एबल टू ट्रेड प्रॉपरली सो जो छोटा मोटा एक दो ट्रेड मुझे मिलता है मैं फटाक से लेकर एंड देन मार्केट को थैंक यू बोल देता हूँ बिकॉज आई एम नॉट वेरी मच एक्टिव सो दिस वॉज मोर देन ट्वेंटी लैक फिफ्टी या सिक्सटी के आसपास था ट्वेंटी पॉइंट सिक्स लैक्स के आसपास था बिकॉज ऑफ दिस फ्यू डेज आई एम नॉट एबल टू ट्रेड प्रॉपर्ली सो माई प्रोफिट इज गॉन डाउन ओके सो ओवरऑल इन दिस अकाउंट एंड माई अदर अकाउंट आई हैव बीन सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटीज इट्स जस्ट दैट कि मैं कवर्ड कॉल कई बार uh, दोनों में ले लेता हूं एंड कई बार मैं एक ही में लेता हूं अगर इसमें इस अकाउंट में फंड का क्रंच होता है तो मैं सिर्फ एक ही अकाउंट में लेता हूं ओके सो ओवरऑल इन दिस अकाउंट आई हैव मेड नियरली अबाउट इजीली मोर देन फिफ्टी एंड अगर चार्जेस लगाएंगे हटाकर मतलब चार्जेस बिना हटाए लगाएंगे तो आई हैोर सिक्सटी फोर लैक्स के आसपास आई हैवर्न इन दीज टू अकाउंट सो ओवरऑल इफ यून एन एवरेज आई हैल एंड दिस इज हाउ आई है इन द मार्केट ओके सर या बिफोर आई गो बिफोर वी साइन ऑफ में आप लोगों को एक uh, और चीज बताने वाला था या yeah. सो so, uh, वन मोर थिंग इज दैट कि मैनी ऑफ माई सब्सक्राइबर्स जिनको कि आजकल कल uh, जो कि मेरे रेफरल कोर्सेज में आ रहे हैं सो मैनी ऑफ द पीपल्स हैव मी कि सर यूट्यूब uh, uh, के ऊपर बहुत सारे uh, बहुत सारे फिन इन्फ्लुंसर्स हैं काफी सारे ट्रेडर्स भी कहते हैं अपने आप को सो वू डू वी फॉलो किसको फॉलो करें बिकॉज उनको समझ नहीं आता कि भाई किसको फॉलो करें दे आर नॉट अवेयर कि कौन सही है कौन गलत है सो so, उनको सिर्फ मैं एक ही चीज़ पूछता हूँ कि सर आप आप स्विमिंग सीखना चाहते हैं ठीक है, बेस्ट सिंपल एग्जाम्पल बिकॉज इट इज सेविंग टेक्निक एंड बिलीव यू मी ट्रेडिंग एंड बिजनेस में लगा रहे हैं. Like business, business, आप अपना सब कुछ झोंक देते हैं ओके सो आई एम टेकिंग स्विमिंग बिकॉज इट इज आई कैन को रिलेट स्विमिंग विद माई ट्रेडिंग बिकॉज बोथ आर लाइफ सेवर्स स्विमिंग so, आप अगर सीखने जाते हैं तो आप किससे सीखेंगे यू विल लर्न स्विमिंग फ्रॉम अ स्विमर और अ नॉन स्विमर जाहिर सी बात है आप सब कहेंगे कि भाई हम स्विमर से सीखेंगे स्विमिंग ठीक है आप उस इंसान से तो नहीं सीखेंगे ना जो कहेगा कि भाई ऐसे हाथ सीधे रखो पानी में ऐसे लेट जाओ पैर से सीधे कर लो तैरना मुझे नहीं आता मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से बता सकता हूं करना मुझे नहीं आता करना तुम्हें ही पड़ेगा

इसकी बात करते हैं सो देर आर मैनी पीपल जो खुद ट्रेडर नहीं है जो खुद की कभी कोई ट्रेडिंग वीडियो नहीं डालते कभी अपना वेरिफाइड पी एन एल तो बहुत दूर की बात है उनका ठीक है नेवर शो यू दैट वी ट्रेड इट देवर शो यू की हाँ हमने कभी ट्रेड करा है वेरीफाइड पीनल तो बहुत ही दूर हो गया ठीक है वो कभी नहीं दिखाएंगे बिकॉज दे ने आर दो नाइनटी नाइन परसेंट पीपल हु प्रॉब्लम क्या है ये जो फ्री स्ट्रैटजीज हैं ये आर इजी टू गेट दे आर वेरी इजी टू गेट व्हाई आई एम सेइंग इज दैट बिकॉज आई आल्सो फेल इन टू अ ट्रैप ऑफ दिस वन अभी अभी एक रिसेंटली काफी एक बड़े इन्फ्लुएंसर हैं बिजनेस कोच कहते हैं खुद को तो उनका अभी काफी फॉलो आउट हुआ है देर आर फ्यू इश्यूज गोइंग ऑन तो उनकी आई वुड नो आई डोंट वांट टू टेक नेम सो उनकी एक स्ट्रेटजी है आरएसआई जो मैंने अभी बताया उनका एक वीडियो था आई स्टिल रिमेंबर वेन आई स्टार्टेड ट्वेंटी जब मैं ये सारी वीडियोस वगैरह देखता था मैं देखता था कि भाई कैसे करना है क्या करना है तब वाला वीडियो uh, ठीक है अभी रिसेंटली मच ऑफ न्यूज बिकॉज यूट्यूब पे कुछ फाइट वाइट हुआ है उनका एंड समथिंग इज वीडियो था उन्होंने कहा कि आर होता है तीस

मेरा पहला जो लॉस था नियरली अबाउट ट्वेंटी सेवन हंड्रेड जो मैंने अपने चैनल पे भी दिया है दैट वाज इन कैनरा बैंक जो मैंने कॉल बाय किया था ऑप्शन का माय सेकंड लॉस वाज एट्रीब्यूटेड टू दिस वन एंड दिस वाज नियरली अबाउट थर्टी थ्री हंड्रेड या थर्टी सिक्स हंड्रेड मेरा किसी एक स्टॉक या निफ्टी आई डोंट रिमेंबर किसी में था दिस लॉस वॉज एट्रीब्यूटेड टू दिस वन ये सेकेंड लॉस था इसलिए आई रिमेंबर इसके बाद मैंने काफी सारे और लॉस भी करे थे इसी स्ट्रेटेजी की वजह से एंड जब अभी रिसेंटली इनका आउट हुआ नाम आया हैश टैग uh, तो वही बंदा है जिसकी मैंने आज से दो ढाई साल पहले वीडियो देखी थी एंड आई मेड अ लॉस सो दिस थिंग आई टोल्ड टू माई स्टूडेंट्स ऑल्सो कि दीज आर नॉन ट्रेडर्स So, अगर आपको स्विमिंग सीखनी है तो आप कहाँ जाएंगे स्विमर के पास तो नॉन स्विमर के पास आप नहीं जाएंगे नॉन स्विमर बहुत अच्छी अच्छी फ्री स्ट्रैटेजीज फ्री स्टाइल ये स्टाइल वो स्टाइल आपको अच्छी अच्छी स्विमिंग टेक्निक्स बता देगा और आप लोगों को जो स्टॉक मार्केट नाम का समंदर है उसमें उतार देगा डूबेगा कौन सिर्फ आप इसका तो काम चल गया इसने जो करना था वो कर लिया आप डूबेंगे ठीक है सर सो ऑलवेज रिमेंबर इफ यू वॉन्ट टू लर्न ट्रेडिंग वेयर यू हैव टू गो इफ यू वॉन्ट टू लर्न स्विमिंग वेयर यू हैव टू गो नाउ सो ये तो हुई बात नॉन ट्रेडर्स की ओके लेट्स गो टू ट्रेडर्स अब जो ट्रेडर्स हैं सर ये थोड़ा सा मैं ज्यादा टाइम ले रहा हूं बट आई बिलीव कि आई एम श्योर कि आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आई जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ लिबर्टी कि ये चीज अगर आप लोगों को थोड़े टाइम पे पता चल जाए बिकॉज ये चीजें मैं अपने स्टूडेंट्स को बता पाता हूं आई डू नॉट आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट विद यू गाइज सो दिस इज दी ओनली वे आई कैन कनेक्ट विद यू गाइज सो दैट इज वाई आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट माई सेल्फ विद यू गाइज सो दैट आई कैन टीच यू समथिंग एंड टीच विद माई ओन एक्सपीरियंस वॉट आई हैव फेल्टस वे आर आर दिट फॉल्स ओके सो ट्रेडर्स भी भैया दो टाइप के होते हैं एक ट्रेडर होते हैं जो अभी रिसेंटली धरे गए हैं एस के थ्रू जिनके सत्रह करोड़ करोड़ का खुद का लॉस था एंड वो दुनिया को चैलेंज देते थे कि भाई हम प्रॉफिट करके दिखाएंगे वो क्या करते थे उनके भी मैंने पहले बहुत वीडियोस देखे थे एंड आई वाज सरप्राइज यार ये तो बढ़िया है हर रोज पांच छह लाख दस लाख पच्चीस लाख फ्लाइट में बैठ के पच्चीस लाख कमा रहे हैं मैंने अमेजिंग यार जाते इकोनॉमी में थे बिजनेस में क्यों नहीं जाते थे भाई ठीक है एक डाउट मेरे को पहले ये भी आया था बट थिंग इज एक बंदा एक महीने में एक मंथ में केवल एक दिन 25 लाख का प्रॉफिट का शॉर्ट या प्रॉफिट का वीडियो बनाकर आपको दिखा रहा है एंड आप सब उसकी तरफ भाग रहे हैं कि 25 लाख का प्रॉफिट 25 लाख का प्रॉफिट 25 लाख का प्रॉफिट 25 लाख का प्रॉफिट कमाया हम भी कमाएंगे हम भी कमाएंगे हम पचास हजार रुपए लगा के पच्चीस लाख कमाएंगे आप सब इसकी तरफ भाग जाते हैं ठीक है लेकिन ये बाकी के जो बाईस ट्रेडिंग सेशन में इक्कीस ट्रेडिंग सेशन में जो वो लॉस कर रहा है वो आपको कभी नहीं दिखाएगा

जिस दिन थंबनेल मेरे YouTube पर आया था सामने तो आई वॉज अबाउट टू टेक द क्लास एंड उस क्लास में मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताया था कि सी तब तक ये फॉलो आउट नहीं हुआ था उसके उसके एक महीने के बाद फॉलो आउट हो गया था इनका इशू उस दिन मैंने बताया था कि ऐसा अगर कोई आपको बोल दे तो समझ लो गलत है कभी उसको लिंक को क्लिक भी मत करना ठीक है बिकॉज ये हो ही नहीं सकता एंड आफ्टर वन मंथ इट वॉज क्वाइट क्लियर टू एवरी वन वाई इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर सो सो ओके ट्रेडर्स भी दो टाइप के होते हैं जो हफ्ते में एक महीने में एक वीडियो दिखाएंगे और आपको 20, 25 लाख 50 लाख 10 लाख 20 लाख का आपको दे देंगे वेरीफाइड पीएनएल कभी नहीं देंगे जीवन में ध्यान रखिए बस एक दिन आपको दिखा देंगे कि देखो मेरा दस लाख का प्रॉफिट हो गया सो so, जब कभी भी आपको कोई ऐसा बंदा होता है ना जो आपको एक हफ्ते या दस दस दिन या एक महीने में आपको दस लाख का प्रॉफिट दिखा रहा है बाकी के एक महीने शांत बैठा है और फालतू के वीडियोज बनाए जा रहा है जस्ट फॉर इट आई बिलीव कि सिर्फ एक दिन प्रॉफिट कराया बाकी दिन लॉस कराया एंड ही इज जस्ट ट्राइंग टू गेट एंड काफी सारे पकड़े भी गए हैं कुछ ने फेक पी डाला था एंड कुछ खुद लॉस में थे एंड बाकी लोगों को प्रोमोट करते थे सो देअर आर मेनी थिंग नेक्स्ट आते हैं कुछ ट्रेडर हैं जिन्होंने अपना वेरीफाइड पी एन एल दिया है यू शुड अंडरस्टैंड यू शुड थिंक अबाउट दीज ट्रेडर्स ओनली वॉट एवर दे से देस से एज पर देर एक्सपीरियंस ठीक है, आई एम नॉट ये सारे के सारे सही होंगे या सारे सारे के सारे गलत होंगे, कि ये 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 जो 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 है, कमाते हैं हैं, और ये जो उनसे तो हैं, उनसे तो तो है. At least ये अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ये प्रूव करके दिखाए हैं कि देखो भाई ये रहा वेरीफाइड बिनर और ऐसे बहुत है मैं खुद काफी सारों को फॉलो करता हूं ठीक है सो

पचास खत्म हो गया तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है तुम एक लाख लेके आओ एक लाख खत्म हो गया ऐसे नहीं होता थोड़ा सा और लेकर आओ एक लाख और लाओ एक दो महीने और रुको तभी पैसा आएगा करते करते आपके पांच लाख कहां चले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा फिर आप कहोगे यार इससे अच्छा तो एफ बैंक एफडी में डाल देता आठ तो आ जाता पहले ही उस सेंटिमेंट को ले आओ कि भले दस हजार है दस परसेंट कमाऊंगा महीने का एक हजार कितना एक साल का एक हजार कमाऊंगा दस हजार से एटलीस्ट दस हजार तो बचा रहेगा आज दस हजार है कल वो दस लाख होगा फिर दस करोड़ होगा थिंक ऑन दोज लाइंस ठीक है सर सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड आई थॉट कि आज मैं आप लोगों को ये चीज बता दू एंड इट वॉज लॉन्ग पेंडिंग सो दैट इज वाई एम टेलिंग यू दिस थिंग सो प्लीज टेक इट एज एन एग्जाम्पल दैट some big uh, your brother is saying something that's all okay, sir? as per my experience whatever i have uh, shared it is all as per my experience and whatever i have seen in the market from these many years and i have also learned to fall so i am trying that you don't so that's it from my side sir and uh, so this is how i have fared in my yearly uh, pnl and that is how i have done it and uh, एंड या वन मोर थिंग जब मैंने सर जनवरी में अपना स्टार्ट किया था तो मैंने थर्टी फर्स्ट दिसंबर ट्वेंटी थ्री को ऑलरेडी अपना एक टारगेट लगाकर डाला हुआ था दैट टारगेट वाज नियरली अबाउट आई गेस थर्टी टू लैक्स की इस साल के एंड में मैं इतना कमा के रहूंगा ठीक है वेयर एम आई आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड अ टारगेट फॉर माइ सेल्फ ऑन थर्टी फर्स्ट डिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर दैट आई विल

लास्ट ईयर एक साल पहले इतना किया था इस साल मैंने ज्यादा किया है मेरी रेस खुद से है मैं इस साल जो करूंगा दैट शुड भी बेटर ईयर मुझे किसी को कंपेयर नहीं करना आज उसने एक लाख कमाया मैं डेढ़ लाख कमा के दिखाऊंगा नो आई डोंगर आप लास्ट ईयर में केवल पचास हजार रुपए कमा पाए दैट्स ओके इस साल आप साठ हजार कमाइए अगले साल सत्तर कमाइए जिस आप आज साठ हजार का टारगेट बनाएंगे एक साल में यू विल गेट मिनिमम आई कैन एश्योर यू दैट बिकॉज योर टारगेट इज रियलिस्टिक रियलिस्टिक टारगेट की तरफ ध्यान दीजिए जैसा कि मैं हमेशा पूछता हूं आप लोगों से हमेशा आप लोगों को बोलता हूं हाउ मच हाउ मच डू यू वॉन्ट फ्रॉम द मार्केट

Market will take away everything from you, but it is you who is not aware how much you want from the market. Okay, sir, make a realistic target. Set a target for thirty-first December twenty-four. Work towards your target, only towards your target. Okay. So this is how I work. Uh, I work, and I request you all those who, uh, who wants to learn from me. You also should start working in that way only. ओके सर थैंक यू वेरी मच सर सो आज के वीडियो में बस इतना ही एंड थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू मी एंड एंड दैट यू हैव एप्रिशिएटेड दैट यस वॉट एवर आई हैव डन इज इज अ गुड थिंग एंड आई हैव आई एम एबल एंड इफ आई एम एबल टू डू इट बिलीव यू मी सर यू ऑल कैन डू इट ट्रस्ट मी आई हैव नॉट डन एनीथिंग एक्स्ट्रा मैं कहीं और से नहीं उठकर आया हूँ मैंने कहीं और से कुछ स्ट्रैटेजी नहीं निकाली है वॉट एवर इज अवेलेबल इन द मार्केट आई हैव डन इट दैट्स इट इफ इफ आई एम एबल टू डू इट यू ऑल्सो कैन डू इट You just have to see, learn, and apply. That's all. Okay, sir. So, thank you very much, sir. And, uh, and if you have not joined my channel, uh, which is Trading Secrets 88, Yewala Mira channel, sir. So, if you have not joined this channel, I request you all to please uh, join my channel and uh, we will grow a community of profitable traders. Okay, thank you very much, sir, and uh, have a good day.